बिल्कुल। और अब राजेश कुमार जी को जानना है वोल्टैम्प ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ये कह रहे हैं 5 साल के लिए रख सकते हैं, तो फिर क्या यहाँ पे राय बनेगी कि हाँ ठीक पैरामीटर्स में आ रहा है या नहीं? हाँ जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो कहीं पे भी कुछ भी देखने का मन ही नहीं कर रहा है खरीदने के लिए। नहीं, अभी कहीं पे खरीदने का दिमाग नहीं लगा ये, इंक्लूडिंग वोल्टैम्प। तो वोल्टैम्प को खरीदने के लिए मुझे वैल्यूएशन थोड़ा तो समझना पड़ेगा ना बाबा, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो वैल्यूएशन में ये करीब मान लेते हैं कि अगर 40% आउट है और उसमें से ग्रोथ को मैं कितना दे सकता हूँ, ग्रोथ को मान लीजिए मैं 15-20% दे सकता हूँ, तो भी 20% का गैप रहेगा मेरे लिए। तो 12,000 का भाव, 20% मतलब 2,500, मतलब करीब करीब मेरे हिसाब से ये 9,000 के नीचे, 9,000 के आसपास इसको इवैल्यूएट करना चाहिए। अभी वैल्यूएशन इसके फेवरेबल नहीं। जी, तो मूल्यांकन की ही चिंता है या कोई और भी चिंता रहेगी इसमें? नहीं, और कोई खास इसमें अभी पैरामीटर्स और कहीं भी फंडामेंटली भी कोई खराबी नहीं है इसमें, सारे रिटर्न रेशियोज और अच्छे हैं। तो असली मुद्दा है कि मन के लायक भाव नहीं है अभी, तो इसलिए इंतजार करना ठीक है।